पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। बंगाल चुनाव को लेकर सत्ताधारी दल टीएमसी और केंद्र सरकार बीजेपी आमने सामने है। भाजपा ने बंगाल चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच बंगाल चुनाव को लेकर बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। जेडीयू भी पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में कूदने को तैयार है और पार्टी ने दावा किया है कि बंगाल की 75 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जदयू तैयार है। जदयू के बंगाल प्रभारी विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी ने चुनाव लड़ने की बात कहते हुए कहा कि वे लगातार बंगाल इकाई से संपर्क में हैं। जेडीयू की बंगाल इकाई 75 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी तैयारी में जुटी है। पार्टी बंगाल चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि 75 विधानसभा सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। खासकर वैसे सीटों को चिन्हित किया गया है जो बिहार से सटे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही बंगाल की इकाई के नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेगी। नेताओं की मीटिंग में सब कुछ तय हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जदयू के चुनाव लड़ने की तैयारी को देखते हुए बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बंगाल में चुनाव को लेकर जदयू और बीजेपी में किसी तरीके की टकराहट नहीं होगी। बीजेपी नेता संजय मयूख ने कहा कि पहले भी कई राज्यों में बीजेपी और जदयू अलग अलग या फिर साथ में मिलकर चुनाव लड़ चुकी है और इस बार बंगाल चुनाव को लेकर भी आपसी बातचीत कर निष्कर्ष निकाला जाएगा। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि बंगाल चुनाव के लिए जदयू की तैयारी चल तो रही है। वहीं बिहार के मुख्य विपक्षी दल राजद बंगाल चुनाव में अपना समर्थन ममता बनर्जी देने को तैयार है।